গণেশ পূজায় কেদারনাথ মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল মানিয়ে নজর কাড়ে ট্রাফিক টাইগার ক্লাব। এবারের আসানসোলের ট্রাফিক টাইগার ক্লাবের পুজো 19 বছরে পড়েছে। কমিটির সদস্যরা জানান, প্রায় 3 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পুজোতে যে প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে সেটি বাঁশের কঞ্চি, তুলো ও থার্মোকল ব্যবহার করে মণ্ডপ করা হয়েছে। গণেশ পূজা উপলক্ষে 3 দিন ধরে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। করোনা আবহে কোভিড বিধি মেনে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। 19 সাল হয়ে গেছে, 19 বছর হয়ে গেছে। তো কি কেদারনাথের থিম রাখা হয়? होपफुली इस साल हम लोग सक्सेसफुल कर पाए हैं और आशा यही है कि सबको पसंद आएगा। हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, देखते हैं कि लोगों को कितना पसंद आता है। तो क्या क्या कार्यक्रम रख रहे हैं आप लोग? कार्यक्रम में आज देखिए, आज 11 बजे से पूजा स्टार्ट होगा हमारा और शाम को फिर हम लोग का यहाँ पे जागरण का प्रोग्राम है, कुछ भक्ति गीत गाए जाएंगे यहाँ पे और शिव चर्चा भी है शाम को यहाँ पे, और कल फिर यहाँ पे सुबह में आपका हवन उवन होगा और शाम को बावल गीत का प्रोग्राम है, और परसों 12 बजे संडे हम लोग का यहाँ से विसर्जन के लिए निकाला जाएगा मूर्ति को। तो कोविड को लेकर कुछ चिंता हमने? कोविड को लेकर हम लोग यहाँ पे सब प्रोटोकॉल मान के चल रहे हैं, सैनिटाइजर मास्क जो भी लोग आ रहे हैं सबको सैनिटाइज करके अंदर लेके आ रहे हैं, सबको मास्क दे रहे हैं, हम लोग भी मास्क लेके हैं, बट आपसे बात कर रहे इसलिए मास्क खोल गया, अभी हम लोग सब मास्क लगा के यहाँ पे सब पूजा का सब प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট টাইমস বাংলা।